नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M13 versus Oppo A16e का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M13 में 6.51 इंच जबकि Oppo A16e में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy M13 से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M13 में 3.03 इंच जबकि Oppo A16e में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy M13 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M13 में 0.37 इंच जबकि Oppo A16e में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M13 में 207 ग्राम जबकि Oppo A16e में 175 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M13 में LCD जबकि Oppo A16e में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M13 में 6.6 इंचेस जबकि Oppo A16e में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy M13 में 1080x2408 और Oppo A16e में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M13 में 82.68% जबकि Oppo A16e में 83% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M13 में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि Oppo A16e में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M13 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo A16e की बात करें तो इसमें 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy M13 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Oppo A16e में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy M13 में Mali G52 जबकि Oppo A16e में Powerwall GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M13 में Samsung Exynos 850 और Oppo A16e में MediaTek Helio P22 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy M13 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Oppo A16e में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy M13 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Oppo A16e में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy M13 में Android V12 जबकि Oppo A16e में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy M13 में 6000 mAh जबकि Oppo A16e में 4230 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी M13 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें ओप्पो A16e की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 9,490 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो सैमसंग गैलेक्सी M13 में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो A16e की तो उसमें 5 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में ओप्पो A16e आगे है, मेन कैमरा में गैलेक्सी M13 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में गैलेक्सी M13 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 10A है, दूसरा Realme 9 Pro 5G है, तीसरा Realme Narzo 55G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A16K है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।